ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को ईडी ने गायत्री प्रजापति के लखनऊ, सुल्तानपुर और अमेठी के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह तड़के ही प्रयागराज से ईडी की कई टीमें सुल्तानपुर और अमेठी के लिए रवाना हुई थी। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की है उनमें गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति का दफ्तर, गायत्री प्रजापति के ड्राइवर रामराज और सीए का दफ्तर शामिल है। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और इसी वजह से उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। आरोप है कि गायत्री प्रजापति ने कई सारी बोगस कंपनियों के सहारे करोड़ों की संपत्ति बनाई। लंबे समय से जेल में बंद पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ईडी ने एक साथ 3 जगहों पर गायत्री और उससे जुड़े व्यक्तियों के घर पर छापेमारी की। अमेठी में जहां ईडी की टीम सुबह ही गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास विकास स्थित घर पर पहुंच गई, तो वहीं अमेठी के ही एक गांव में उसका जो ड्राइवर है उसके भी घर ईडी के अफसर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कागजों को खंगाला। इतना ही नहीं, लखनऊ में जो विभूति खंड में ओमैक्स की बिल्डिंग है वहाँ पर गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो बेटा है अनिल प्रजापति, जो बोगस कंपनियाँ बना रखी हैं, उसका ऑफिस वहाँ है। वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी पहुँचे और वहाँ पर भी छानबीन की है। दरअसल हवाला एंगल को जांच रही है ईडी, गायत्री प्रसाद प्रजापति का क्या कनेक्शन था, कैसे बोगस कंपनियों के जरिए पैसे का निवेश किया गया, कहीं हवाला का इस्तेमाल तो नहीं हुआ इस निवेश में। इन्हीं सारी चीज़ों को अब ईडी जो है वो खंगाल रही है और गायत्री प्रसाद प्रजापति, उसका जो बेटा है और उसके जो करीबी हैं वो सब ईडी के राडार पर हैं। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने किया है यहाँ पे छापेमारी। बाकी चीज़ें प्रेस रिलीज में आपको पता चलेगी। सर, ये कौन थे, किसके घर पे छापामारी आपने की है? अब ये चीज़ें डिटेल आपको पता चल जाएगा, हम लोग ऑथराइज नहीं बताने। सर, कितने घंटे की छापेमारी चली होगी, क्या कुछ पॉजिटिव रहा? हम लोगों ने शुरू कर दिया था 7:30 बजे से और ये अभी के टाइम तक पूरा हुआ है तो 2 बजे। तो कुछ पॉजिटिव रहा सर, कुछ मिला आपको? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सर, मेरा नाम अमिला है, घर में आए थे और कागज़ वगैरह सब देख रहे थे कहाँ क्या रखा है। कितने लोग आए थे आपके यहाँ छापेमारी? 10-12 लोग थे। तो कितनी देर तक छापेमारी हुई आपकी? 3-4 घंटे। अच्छा, क्या बताए कुछ कि किस मामले में आए हैं छापेमारी करने? नहीं, यही सब पूछ रहे थे आए से अधिकारी। नहीं, ये नहीं पूछी कि मतलब जैसे इनका गायत्री का नाम था, गायत्री के ड्राइवर के रूप में? नहीं, ये सब नहीं। और आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ पहले सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी और फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी इस मसले में प्रजापति और उनके दोनों बेटों समेत कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब ईडी को गायत्री प्रजापति के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच में पता चला है कि साल 2012 से 17 के दौरान अखिलेश सरकार में मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति ने आय से 6 गुना अधिक संपत्तियां बनाई। अब ईडी हवाला, फंडिंग और बोगस कंपनियों को खंगाल रही है। गायत्री और उनके परिवार से जुड़ी 15 कंपनियों के सुराग ईडी को मिले हैं। 11 कंपनियां गायत्री प्रजापति के नाम पर बताई जा रही हैं, बाकी कंपनियां पत्नी और बेटे के नाम पर हैं। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन से अर्जित धन से गायत्री प्रजापति ने महाराष्ट्र के पुणे में कई संपत्तियां खरीदी। अब ईडी पुणे के रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज हासिल करेगी। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि गायत्री प्रजापति दरअसल हैं कौन और क्यों ईडी उनके ऊपर शिकंजा कस रही है। जिस गायत्री प्रजापति पर ईडी की छापेमारी हुई वो अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में रेप के मामले में जेल में बंद हैं। मतलब पहले रेप का आरोप, फिर खनन घोटाला और अब आय से अधिक संपत्ति का मामला। लेकिन जिस गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है उनकी संपत्ति 2002 तक सिर्फ 92,000 रुपए थी। ये जानकारी खुद गायत्री प्रजापति ने विधायक का चुनाव लड़ते वक्त हलफनामे में दी थी। और अब बात करते हैं कोरोना काल के उस काले सच की जो लोगों को डरा रहा है। दरअसल
हम आज आपको साजिश से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि कोरोना वैक्सीन की आड़ में रची गई है और इसे अब साइबर क्राइम का नया हथियार बना लिया गया है। दरअसल यूपी के कानपुर के साथ ही कई शहरों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन को लेकर फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज मांगे। उसने लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जानकारी ली। इस बातचीत के कुछ देर बाद लोगों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी पिन आया, जिसके बाद फिर से उस शख्स का फोन आया जिसने आधार, पैन जैसे दस्तावेज की जानकारी मांगी थी। वहीं कुछ लोग इस झांसे को अब तक नहीं समझ पाए थे, ऐसे में इन्होंने अपना ओटीपी इन जालसाजों के साथ शेयर कर दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद इन साइबर शैतानों ने मासूम लोगों के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। वहीं लोग इस फ्रॉड की वजह से सख्ते में आ गए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि लोगों के साथ कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी अपनी निजी जानकारी फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर लोग ऐसा करते हैं तो फिर साइबर ठगी करने वाले उनकी गाढ़ी कमाई लूट सकते हैं। तो देखिए, सावधान रहें और किसी से भी अपनी डिटेल्स शेयर ना करें। वहीं यूपी में नए स्वरूप वाले कोरोना वायरस ने भी दस्तक दे दी है।